हम दर्शकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसी हैं आप सब मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दर्शकों आप सभी जानते हैं कि आज पूजनीय पंडित जी की छठवें दिन की कथा थी जो कि श्री तप शिव महापुराण कथा थी जो कि मेनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही है छठवें दिन की कथा के समापन से पूज्य पंडित जी ने हमें कुछ जानकारियां दी हैं यदि आपके जीवन में भी बहुत अधिक तकलीफ चल रही है समस्या चल रही है तो आप इन उपायों को अवश्य ही करिएगा जिससे कि महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी और पूरे 19 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि जब सावन के साथ में अधिक मास का यह संयोग आया है इन उपायों को करने से महादेव हमारे जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे और महादेव के आशीर्वाद से हमारे हर कार्य बनेंगे एकाक्षी एक नारियल का यह उपाय यदि आप महादेव के समक्ष कर लेते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे साथ ही महादेव आपके सभी कामनाओं को भी पूर्ण करेंगे वैसे तो नारियल महादेव को एकाक्षी नहीं अर्पित किया जाता है लेकिन कोई विशेष कामना है या कोई विशेष परिस्थितियां आपके सामने पैदा हो गई है जिसका निवारण आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है आपके अनेकों प्रयास के बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा है यदि आपके घर में बहुत समय से आर्थिक तंगी चल रही है जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है तो इस एक उपाय को आप अवश्य ही करिएगा एकाक्षी नारियल का यह उपाय आपके जीवन में खुशियां भर देगा और सावन और इस अधिक मास के महासंयोग पर दसवीं तिथि पर आप इस उपाय को अवश्य ही करें एकाक्षी नारियल का यह उपाय एक रुपए का सिक्का और लाल मौली यह तीन सामग्रियां आपके जीवन में खुशियां भर सकती हैं शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस एक उपाय को करना है आप सभी जानते हैं कि प्रदोष काल का समय महादेव को समर्पित होता है माना जाता है और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि इसी समय पर श्री महादेव स्वयं महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं तो यदि आपके जीवन की भी कोई कामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो एकाक्षी नारियल और एक सिक्का और लाल मौली का यह उपाय आप अवश्य ही करें जी हाँ लाल मोली कलावा या फिर नहीं हो तो आप लाल सूत भी ले सकते हैं उसे भी कुमकुम -कुम में कर ले या फिर आप गुलाल में कर ले अबीर में कर ले उसके साथ में आप यह उपाय कर सकते हैं किस प्रकार से करना है चलिए अब जानते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको इस अचूक से उपाय को करना है जिससे कि पूरे साल धन की वर्षा होगी और आपके जीवन से धन की कमी दूर होगी सबसे पहले तो आपको एक जटा वाला नारियल ले लेना है नारियल साबुत होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही नारियल आपको लेना है नारियल लेने के बाद आपको एक रुपए का सिक्का ले लेना है और लाल मौली ले लेनी है अब क्या करना है आपको उस लाल मौली को आपको नारियल पर बांध देना है जी हाँ नारियल पर आपको उस अब जितनी आपकी कामना है कम से कम सात बार उसे घुमाकर आप बांधे मोली को और महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग के पास नीचे की तरफ जहां पर माता पार्वती के हस्तकमल है वहां पर आपको अर्पित करना है सबसे पहले नारियल को अपनी कामना कर दोनों हाथों के बीचों बीच रखें हथियलियों का स्पर्श कर महादेव का स्मरण कर माता पार्वती का स्मरण कर पूर्ण शिव परिवार का स्मरण कर माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर नारियल को रख दें फिर एक रुपए का सिक्का रख एक दीपक चलाए अपनी कामना करें और ग्यारह बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें आपकी कामना महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे धन्यवाद दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में हर हर महादेव